सर्वप्रथम तो जैसे कि आपने कहा कि जुआ का खेल इसलिए नहीं खेला जाता कि जो लक्ष्मी होती है, अर्थात जहां जब हम जुआ खेलते हैं उसमें लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं, लक्ष्मी हमारी माँ है, तो माँ को कभी जुआ में नहीं उपयोग किया जाता। इसीलिए कभी भी जुआ खेलते समय लक्ष्मी का उपयोग ना करें, और दीपावली के दिन तो भूल कर भी जुआ में लक्ष्मी का प्रयोग ना करें। प्रथम बात तो ये हो गई। शराब वगैरह मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, उस दिन शराब पीने से हमारी बुद्धि जो होती है वो दुष्कृत हो जाती है, हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं अपनी चीजों को, ये कारण भी होता है। तीसरी चीज, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए उस दिन। आप सोचे तो स्वच्छ कपड़े पहने या नवीन वस्त्र पहने, आपके घर के जो पुराने फटे कपड़े हैं उनको गरीबों को दान दे दें, एवं उस दिन ऐसा करें कि घर में जो भी आपके पुराने कपड़े हैं वो किसी न किसी व्यक्ति को देना चाहिए। उससे क्या होता, घर की जो बुरी चीजें होती हैं घर से बाहर निकलती हैं। इसीलिए दिवाली के समय हम लोग अपने घर की साफ सफाई भी करते हैं, जो पूरी चीज रहती है वो घर से बाहर निकालते हैं, अर्थात जो भी और कभी भी पुरानी चीज दीपावली दिन लेके मत आए। लोहे की चीज खासकर दीपावली के दिन घर में नहीं लानी चाहिए। सोना हो गया आप सोना ला सकते हैं, चांदी हो गया आभूषण हो गया इन सब चीजों को आप ला सकते हैं, पर लोहा आपको दीपावली के दिन लेके नहीं आना है। और कोयला जो होता है जैसे राख होता है, ये सब भी नहीं उठाना चाहिए दीपावली के दिन, राख नहीं उठाना चाहिए और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करना चाहिए। हाँ आजकल के लोग क्या है कि दीपावली को बड़ा वैसा बना दिए हैं, पटाखा फोड़ के सकर के, नहीं, शांति रूप से माता का पूजा पाठ करके बड़े आराम से भाव से माता जी की पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए दीपावली के दिन। खासकर एक चीज और कर सकती हैं कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात का आप लोग सभी लोग जाप भी कर सकते हैं, है ना। इस दिन भूल कर भी आप लोग लहसुन प्याज का सेवन न करें, है ना। इससे क्या, ये तामसिक होता है, ये पूजन करने से आपका व्रत भंग हो जाएगा, आप पूजन करने के योग नहीं रहेंगे। जब भी आप पूजा करने बैठे तो लाल बढ़िया बिछा के कुसा चटाई होगा, कुसा सबसे शुद्ध वस्त्र मानी जाती है, उसको बिछा के अच्छे से माता रानी की पूजा करें। झाड़ू की ऐसी मान्यता है कि झाड़ू जो होता है वो साफ सफाई में उपयोग किया जाता है। अगर झाड़ू हमारे घर पे ना हो तो हम अपने घर से सफाई नहीं कर सकते, झाड़ू को बड़ा एक महत्व है, इसलिए झाड़ू को भी सम्मान देना चाहिए, सम्मान योग्य है। क्योंकि अगर झाड़ू नहीं होगा तो हमारा घर अस्त व्यस्त रहेगा, गंदगी घर में रहेगी, जो गंदगी को घर से बाहर निकालता है वह है झाड़ू। तो झाड़ू को उस दिन भूल कभी पैर न लगे। झाड़ू को जो स्थान होता है वो होता है आपका दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में सदैव आप लोग झाड़ू रखें, एवं ये कोशिश करें कि झाड़ू कभी भी आपके नजर में ना आए, है ना। आप लोग कभी झाड़ू को अपने ऐसे नजर में रखें कि झाड़ू आपके नजर में आए, जब उपयोग करना तो झाड़ू आप निकाल के उपयोग कर ले, फिर जाकर उस स्थान पर रख दे। झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए, खासकर दीपावली के दिन तो और नहीं लगना चाहिए। आसन देखिए क्या होता है कि आसन सबसे सुप्रसिद्ध माना जाता है। कोई भी ऋषि मुनि जब पहले बैठते थे तो वो लोग आसन बिछाते थे, जैसे भगवान शंकर जी हैं तो मृगशाल के आसन पर बैठते हैं। तो जब भी आप पूजा करने बैठे तो आसन सबसे शुद्ध तो कुसा का आसन माना जाता है। कुसा का आसन ना हो तो मखमल का आसन हो, लाल हो पीला हो, ऐसा काला आसन कभी नहीं बिछाना चाहिए, है ना। तो वो आसन बिछा के गद्दीदार आराम से उस पर पहले जल से उसको शुद्ध किया जाता है मंत्रोच्चारण द्वारा, फिर उस पर आसन पे बैठ के आप भगवान की पूजन वंदन अर्चन जब तक नियम स्वाध्याय जो हो तो वो कर सकते हैं। मांस मदिरा का उपयोग न करें और किसी का अपहरण न करें, मांस मच्छी न खाएं, साफ शुद्ध कपड़े पहने, व्रत उपवास करें, भगवान की पूजा करें धूप दीप ने पत्रोचार से मंत्रोचार द्वारा, और प्रसाद का वितरण करें, गरीबों को अन्न दान करें, भोजन करवाएं, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है।